हे एवरी वन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का होस्ट इंदुस्पुनीत और आज का वीडियो है कि आप कैसे सिनेमैटिक प्री वेडिंग शूट कर सकते हो अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है एज एन वीडियोग्राफर और एज एन फिल्म मेकर सो ये वीडियो एक इन डेप्थ गाइड है इसमें मैं इक्विपमेंट्स कैसे आपको क्लाइंट से डील करना है क्या क्या चीज़ें आपको प्री वेडिंग शूट करते टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए लोकेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाया अगर आप आए चैनल पे फर्स्ट टाइम तो कर ले सब्सक्राइब फॉर श्योर और फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे चलिए शुरू करते हैं गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड सो इस वीडियो को ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है जो कि स्टेप बाई स्टेप हम लोग इक्विपमेंट और इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यू नो कैसे आप स्टोरी बोर्डिंग करते हो और कैसे आप क्लाइंट से डील करते हो फॉर दी फॉर दी कॉन्टेंट देखो यार जब भी आप यू नो प्री वेडिंग वीडियो शूट करे हो ना तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना होती है जब आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हो ना तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यार उनका नेचर कैसा है और वो कितना ज्यादा यू नो कैमरे के ने एक्ट कर पाएंगे मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमने ये पाया है कि यार जितने भी क्लाइंट्स से आप लोग मिलते हैं हम लोग मिलते हैं तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि क्लाइंट्स को ज्यादा एक्टिंग करना नहीं आती आप जितना भी ज्यादा उन्हें एक्ट करने के लिए बोलोगे ना तो वो एक्ट नहीं कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो अच्छे से एक्टिंग कर भी लेते हैं कैमरे के सामने मैंने बहुत लोगों का ऐसा कॉन्टेंट शूट किया है जो अच्छे से एक्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ दैट यू नो आप अपनी स्टोरी बोर्डिंग कैसे कर सकते हैं तो दो टाइप की प्री वेडिंग बनती है एक ट्रेडिशनल प्री वेडिंग बोलते हैं जिसमें क्लाइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं कराया रहता और मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्लाइंट्स को पोज बनाकर के और कैमरा को मूवमेंट देकर के अच्छी फ्रेमिंग लेकर और क्रिएटिव लुक कंटेंट में ऐड किया जाता रहा है। नॉर्मल एक्टिंग होती है जिसमें नॉर्मल स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं और ये बेसिक एक्टिंग जो है वो क्लाइंट से कराई रहती है ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं कराया रहता बिकॉज ऑफ क्लाइंट्स इन सिचुएशन में काफी टाइम पे यू नो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं जब वो रोड पे कॉन्टेंट शूट कराते हैं तो अगर आपका क्लाइंट ज्यादा यू नो सॉर्ट ऑफ एक्टिंग नहीं कर सकता है तो ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ वे में शूट करो जिसमें क्लाइंट्स के बेसिक पोज बनवा करके एंड देन अपने कैमरा मूवमेंट्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में और कंटेंट को शूट कर लो ये एक सबसे सिंपल Uh, जो है वो मैक्सिमम यू नो तौर पे प्री वेडिंग में होता है दूसरा तरीका है अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो गया है, ये आपको पता लग जाता है जब आप फर्स्ट टाइम क्लाइंट से मिलते हो हो जनरली कि आपका uh, जो क्लाइंट क्लाइंट है है वो एक्टिंग कर पाएगा कैमरा के सामने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाती है, की ठीक है अब अगर आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिल गए जो एक्ट कर सकते हैं अच्छे से तो बेसिकली फनी सॉर्ट ऑफ यू नो प्री वेडिंग कॉन्टेंट भी बनते हैं और प्री वेडिंग आप एक दिन में भी शूट कर सकते हो और दो दिन में भी शूट कर सकते हो आजकल मैंने नोटिस करा है कि यार बहुत सारे लोग ना प्री वेडिंग के अंदर दो दो गाने लगा देते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है जनरली अगर आप दो दो गाने लगा रहे हो तीन, की, तीन मिनट की मिनट की प्री वेडिंग में तो वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है आई डोंट नो क्लाइंट्स को भी मेरे को लगता है कि पसंद नहीं आता है वो दो दो सॉन्ग वाला प्री वेडिंग तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लो एक गाना और उस गाने के ऊपर पूरी स्टोरिंग बोर्डिंग कर लो अपनी स्क्रिप्ट लिख लो और ये ये सोच लो कि किस लाइन के ऊपर कौन सा शॉट आपको ऐड करना है एंड देन उसके बाद अपने कॉन्टेंट को अच्छे से एडिट करके और क्लाइंट को दो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एज सेज अगर आपका क्लाइंट एक्टिंग कर सकता है देन आप फनी कॉन्टेंट सॉर्ट ऑफ प्री वेडिंग भी बना सकते हो जहां यू नो क्लाइंट को थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग करवा करके कुछ एक्स्ट्रा यू you नो know, फनी शॉट लेकर के और अपने कंटेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो तो ये सेकंड सॉर्ट ऑफ यू नो प्री वेडिंग का स्टाइल होता है जो आ, काफी कुछ लोग जो है करवाते हैं जो कि कैमरा के सामने थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं नाउ एज ई सेट जब आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो विल गेट दी अंडरस्टैंडिंग गाना वाना फाइनल कर लो एंड देन उसके बाद आपके कॉन्टेंट की पूरी स्टोरी बोर्डिंग कर लो अननेसेसरी क्या होता है मैंने मैक्सिमम टाइम पे नोटिस करा है जिन लोगों को प्री वेडिंग का नॉलेज नहीं होता ना वो क्या करते हैं स्टोरी uh, बोर्डिंग नहीं करते गाने के हिसाब से स्टोरी नहीं लिखते स्क्रिप्ट नहीं लिखते शॉट्स का अंदाजा नहीं होता क्या शॉट लेना है एंड बाद में जाकर के जब कंटेंट शूट करने लगते हैं तो फंस जाते हैं वो बहुत सारा स्क्रैप कंटेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं यानी कचरा कूड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे एंड फिर बाद में जब शॉर्ट करने बैठते हो एडिटिंग करने बैठते हो तो पता लगता है कि शॉर्ट्स ही कम है या इस सॉन्ग के साथ में गाना जो है वो बैठ ही नहीं रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी स्टोरी बोर्डिंग जो है वो परफेक्टली करो ठीक है अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि यार देखो इक्विपमेंट इज अब बिट नेसेसरी अच्छी क्वालिटी का अगर आप यू नो वीडियो शूट कर रहे हैं और आप क्लाइंट से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं और साइमेंटेनियसली जब आपके पास अच्छा इक्विपमेंट आता है तो आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट भी बना पाते हो दैट इज फैक्ट फॉर श्योर ठीक है इसके साथ साथ में आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हाई लेवल प्रोफेशनल कैमरास को यूज़ करने का एंड इसके साथ साथ में साइमेंटेनियसली आपकी दिन बर दिन एडिटिंग में और इन सभी चीज़ों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हाई क्वालिटी का कैमरा यूज़ करें एंड साइमेंटेनियसली आपको एडिटिंग में भी बहुत एडवांटेज होते हैं उन कैमरा से तो मैं जनरली कैमराज कौन से रिकमेंड करता हूं कि यार अगर आपका बजट अंडर वन लाख रुपीज में है एंड यू जस्ट स्टार्टेड यू नो प्री वेडिंग सॉर्ट ऑफ वर्क तो आई वुड रिकमेंड कि गो विध एल्फास्टी फोर हंड्रेड एंड एल्फा सिक्सटी सिक्स हंड्रेड बोथ आर दी रियली नाइस एंट्री लेवल सिनेमेटोग्राफी कैमराज अगर आप ए कैमरा में यूज करना चाहते हो तो भी यूज हो जाएगा बी में यूज करना चाहते हो तो बी में भी यूज हो जाएगा बोथ कैमरा ए पी एस सी सेंसर यानी क्रॉप सेंसर में आते हैं अब अगर हम लोग उनसे ऊपर चलें तो फुल फ्रेम में आई वुड रेकमेंड कि सेवन फोर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है सेवन एस थ्री है एफ एक्स थ्री है एल्फ एफ एक्स सिक्स है अगर आप बहुत हायर एंड यू नो प्रोफेशनल कैमकॉर्टर की तरफ जाना जाते हैं एंड देन एल्फा वन है और अगर आप एंट्री लेवल में जाना चाहेंगे तो सेवन फोर एस थ्री एफ एक्स थ्री और ए सेवन एम थ्री ये चारों कैमराज बहुत अच्छे हैं जिनको यूज करके आप बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉन्टेंट शूट कर सकते हैं आज के दिन में कैमरा की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये हो गई है कि जो भी कैमरा आप ले रहे हैं आपको एटलीस्ट स्लो मोशन का ऑप्शन मिलना चाहिए उसमें अगर आपके पास में हंड्रेड एंड ट्वेंटी फ्रेम्स का हंड्रेड फ्रेम्स का ऑप्शन नहीं है ना तो आपकी वीडियोज उतनी अच्छी सिनेमैटिक नजर नहीं आएगी दीज आर दी नेसेसिटी थिंग दीज इन दी कैमराज अगर आप जो भी ले रहे हैं कैमरा आप एटलीस्ट देखें कि आपको फुल एच में हंड्रेड फ्रेम मिले और अगर 4K है कैमरा में तो एटलीस्ट 4K में 60 फ्रेम मिले दैट इज सॉर्ट ऑफ नाउ नेसेसिटी जो भी कैमरास मैं रेकमेंड कर रहा हूं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप जाके चेकआउट कर लेना लेंसेज में मैं जनरली चार ड करता हूं एक वाइड एंगल ले लो 24 फोर एम एम ले लो या 16 पैंतीस ले लो 24 फोर एम एम फिक्स आता है 16 पैंतीस आपका वेरिएबल आएगा इसके बाद 35 mm ले लो 35 फाइव इज वन ऑफ माई ऑलवेज रिकमेंडेड लेंस 50 एम mm और 80 85 फाइव mm जो है वो बेसिकली ऑप्शनल है अगर आप 85 लेना चाहते हो तो ले सकते हो बट आप अगर आप फिफ्टी एम mm है तो मेजोरिटी केसेस में 50 एम mm से भी काम हो जाता है नाउ जब आप कैमरास में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक एंडी फिल्टर जरूर ले लेना ले बिकॉज मोस्ट ऑफ दी यूजर्स जो है वो एंडी फिल्टर नहीं खरीदते हैं और मैं कैमको टोकिना का जो है वो अवेरियबल एंडी फिल्टर सजेस्ट करता हूँ ये वन ऑफ दी हाई क्वालिटी एंडी फिल्टर है अभी तक जितने भी एंडी फिल्टर मैंने ट्राई करे दिस इज दी वन विच आई कैन रिकमेंड फॉर यू और बहुत अच्छा एंडी फिल्टर है फॉर शोर फॉर वीडियो शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं दैट इज कलर ग्रेडिंग तो देखो यार आजकल जो है वो कलर ग्रेडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ठीक है अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को स्केल अप करना चाहते हो तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट की आप कलर ग्रेडिंग को सीख लो खुद से है ना मैंने देखा है बहुत सारे प्री वेडिंग वाले जो बंदे होते हैं प्री वेडिंग शूट करते हैं वो खुद से कलर ग्रेडिंग करना जानते हैं बट अगर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं करना आता तो आपके पास एक अच्छा एडिटर हो जो आपके लिए कलर ग्रेडिंग कर दे ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है मैं सोनी कैमरा जब यूज करता हूं तो आई जनरली गो विद एसलॉक प्रोफाइल और एस्टलॉग के लिए जो है हम लोग प्रॉपर यू नो आफ्टर वो पूरा न्यूट्रल प्रोफाइल होता है एंड देन बाद में उसमें हम लोग कलर ग्रेडिंग करके कंटेंट को बहुत सिनेमैटिक लुक दे देते हैं एक एडवांटेज ये होता है लॉक प्रोफाइल का कि आपके पास हाईलाइट और शेडोज में पूरा कंट्रोल होता है तो पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे आप हर चीज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोफाइल पर कॉन्टेंट शूट करा है तो आपको कहीं पर हाईलाइट ब्लू आउट होती हुई दिखेंगी तो शेडो ब्लू आउट होती हुई दिखेंगी और एक सर्टन लुक नहीं क्रिएट कर पाओगे और मैंने एस्टलॉग पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है ठीक है तो मैंने कुछ लट्स जो है वो अपनी बना रखी है और वो लट्स जो है मैं आपको भी देना चाहूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आप बहुत प्रोफेशनल लेवल का कलर ग्रेडिंग सीखना चाह रहे हो तो ये LUTs जो है वो आपको बिगनिंग में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि बिगनिंग में एसलॉग एडिटिंग करने में मुझे भी बहुत दिक्कत आया करती थी बट ये ऐसे प्री हैं जिनको यूज करके आप वन क्लिक में अपनी वीडियो को परफेक्टली कलर ग्रेड कर लोगे स्क्रीन पे आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे इन लट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पे आपको मेरी एप्लीकेशन दिखेगी उसे डाउनलोड करना है एंड देन स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको मेरा प्लान मिल जाएगा जिसे आप डेफिनेटली ले सकते हैं इस प्लान में आपको जो है वो दस लट्स मिलेंगी एसलॉक टू और एस लॉक थ्री के लिए जिनको यूज करके आप, आप काफी अच्छे सिनेमेटिक कलर्स फॉर्श और अपने कॉन्टेंट के लिए बना सकते हो एज आई ए अगर आपने कलर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपका काम जो है वो वन ऑफ दी बेस्ट रहेगा मार्केट में और क्लाइंट्स आपके पास खुद से आएंगे वापस अपने हिसाब से लोगों को रेकमेंड करेंगे सोशल मीडिया पे अपने आप प्रमोशन चलने लगेगा दैट आई एम

तो आप जिस भी लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हो आपको उसका अंदाजा होना चाहिए कि वहां पे लोकेशन में रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है अगर वो टूरिस्ट प्लेस है तो कितने लोग वहां पे हैं और कितनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी आपको शूट के टाइम पे कितने असिस्टेंट्स की जरूरत है आपको लोगों को हटाने के लिए जो कि बेसिकली यू you नो know, टूरिस्ट प्लेसेस पे रहते हैं जैसे हम लोग अल्बर्ट हॉल पर शूट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एक बेसिकली असिस्टेंट रखना पड़ता है जो पीछे से लोगों को हटाता है शूट के टाइम पे तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार जब आप शूट करने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें देख लो अदरवाइज बाद ना, जब आप लोकेशन पे पहुंचते हो तो शूट करने में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं वहां पे गार्ड होगा तो वो शूट करने से मना कर देगा जैसे जयपुर में एक बहुत अच्छी राजस्थान में एक बहुत अच्छी जगह है किशनगढ़ तो हम लोगों ने वहां पे कंटेंट शूट किया था एंड वहां पे फाइव थाउजेंड रुपीज फ्लैट आपको पे करना पड़ता है अगर आप अंदर शूट करना चाहते हो और ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी यार जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो कितनी कॉस्ट है वहां पर शूट करने की गार्ड से क्या सेटिंग करनी है लोगों की सेटिंग होती है गार्ड से कि दो दिए शूट करा लिया पांच दिए शूट करा लिया ये सारी चीजें आपको लिटरली ध्यान में रखनी पड़ेगी अदरवाइज क्लाइंट के सामने जब परेशानियां होती है ना लोकेशन में पहुंच के तो आपका जो इंप्रेशन है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है में चीज रिकमेंड करूंगा कि यार देखो लाइट्स में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है देखो जब आप प्री वेडिंग शूट करते हो तो हमें मॉर्निंग के शॉट्स और इवनिंग के शॉट्स लेने पड़ते हैं दैट इज फैक्ट कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग के कुछ शॉट्स लेने होते हैं सनराइज और सनसेट के इन केस ऑफ दैट अगर आपके पास में एक एक्सटर्नल लाइट है तो वो आपकी लाइफ इजी कर देती है और मैं जो है वो अपर्चर की एमरान पी सिक्स यूज करता हूं ये एक एलईडी लाइट है लाइट पैनल है जिसके अंदर बैटरीज लगा करके पावर अप किया जा सकता है सिक्सटी वॉट का है सॉफ्ट बॉक्स के साथ में आता है तो लिटरली जब आप आउटडोर सिचुएशन में हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट ऐड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एमरान पी की तरफ जा सकते हैं वन ऑफ दी अफोर्डेबल एल

तो बार बार सेम पोज आते भी नहीं है सेम जो है वो रिएक्शन आते भी नहीं है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपने फोटो के लिए पोज बनाया था तो साइमेंटेनियसली उसमें वीडियो शूट कर लो वीडियो के लिए बनाया तो साइमेंटेनियसली फोटो शूट कर लो तो दीज आर फ्यू रिकमेंडेशन एक वीडियो मैं अभी डेफिनेटली चैनल पर और लेके आऊंगा जिसमें मैं क्रिएटिव पार्ट के बारे में बताऊंगा कि हम एज एन स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं स्टेब्लिशिंग शॉर्ट कहाँ डाला जाता है वाइड एंगल लेंस से कैसे शॉट ले रह सकते हैं डॉली इन डॉली आउट ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डेफिनेटली अपने अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को वीडियो एडिटिंग अभी तक अगर नहीं सीखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो एडिटिंग का पूरा कोर्स डाला हुआ है तो उसमें जाकर के आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ईडीएस की पूरी मास्टर क्लास है एस लॉक के लिए लर्ट्स आपको मिल रही हैं तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेन एंड कीप शूटिंग